आज हम चिकन का अचार बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चिकन को वो अच्छे से वॉश कर बॉईल कर लेना है नमक और हल्दी डालकर। जब तक चिकन हमारा बॉईल हो रहा है हम मसाला तैयार कर लेंगे अचार के लिए। मेथी, कलौंजी, सौंफ, थोड़ी सी पीली सरसों लेकर ड्राई रोस्ट कर लें। साबुत धनिया डालेंगे, 6 से 7 साबुत लाल मिर्च डालकर अच्छे से ड्राई रोस्ट कर ठंडा करके इसे हमें दरदरा कूट लेना है। चिकन बॉईल हो चुका है, उसका सारा पानी निकाल कर हमें इसे फैला लेना है। मैं चिकन थाइस का यूज़ कर रही हूँ, आप फुल चिकन भी ले सकते हैं। चिकन का सारा पानी निकल गया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएंगे, हमें इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का ही फ्राई करना है। बस 1 से 2 मिनट लगेंगे हमें फ्राई करने में। अगर हमने ज़्यादा फ्राई कर दिया तो चिकन काफ़ी हार्ड हो जाएगा, फिर वो अचार में स्वाद नहीं आता। चिकन फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। सारे चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई हो चुके हैं, उसी ऑयल में हम डालेंगे थोड़ी सी लहसुन, कूट कर लहसुन डालेंगे, मसाले डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, सिरका डालेंगे आधी कटोरी, अच्छे से भून लेंगे। अचार का मसाला जो हमने तैयार किया था वो डालेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, बस इसमें हम चिकन डाल देंगे फ्राई करे हुए। थोड़ा सा विनेगर और डालेंगे इसमें हम, अच्छे से मसाले से मिला लेंगे चिकन को। ज़्यादा नहीं पकाना, बस 3-4 मिनट ही लगेंगे इसे पकने में। चिकन का अचार रेडी हो गया है, गैस की फ्लेम कर दें ऑफ। ठंडा करके आप इसे कांच के बर्तन में मर्तबान में डालकर रखें, 15 से 20 दिन तक आराम से चल जाता है अगर आप इसे फ्रिज में रखें। चिकन अचार रेडी है।